नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टैली ERP9 का ये हमारा लेक्चर चल रहा है और आज आप देखेंगे लेक्चर नंबर 24 फिजिकल स्टॉक एंट्री। आगे देखने से पहले एक बार आइए हम लोग जरा सिलेबस चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो ये हमारा सिलेबस है, ओवरव्यू ऑफ टैली से स्टार्ट हुआ है और ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं और आज का थर्ड लास्ट टॉपिक है फिजिकल स्टॉक एंट्री। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि टैली के अंदर अगर हमें फिजिकल स्टॉक एंट्री करनी है तो हम कैसे करेंगे, और ये भी देखेंगे कि फिजिकल स्टॉक एंट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग टैली में चलते हैं और देखते हैं फिजिकल स्टॉक एंट्री। फ्रेंड्स, हमारे सामने ये टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल स्टॉक एंट्री के नाम से एक कंपनी हमने बना रखी है और इसमें जो इनिशियल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी एंट्री हमने कर दी है। तो एक बार फ्रेंड्स, पहले आइए हम लोग असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा असाइनमेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे ये असाइनमेंट नंबर 24 फिजिकल स्टॉक एंट्री। कैपिटल आपका 50 लाख रुपीस एंट्री हो चुकी है, बैंक डिपॉजिट, बैंक विड्रॉल, परचेज। फ्रेंड्स, आपका परचेज है, वाटर है, क्लोथ है, राइस है, ये क्वांटिटी दी हुई है, ये परचेज हो गया। सेल्स में आपका वाटर है, क्लोथ है, राइस है, ये क्वांटिटी दी हुई है। अब फ्रेंड्स, समझिए कि फिजिकल स्टॉक एंट्री होती क्या है। जैसे मान लीजिए आपने किसी शॉप से, किसी दुकानदार से आपने राइस खरीदा 1000 kg 40 rupees के पर kg के रेट से, तो वो जो दुकानदार है उसने कहा कि सर, आप हमारे बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं, बड़े कस्टमर हैं, आपने 1000 kg चावल खरीदा है, तो वो उसने कहा कि आप जो है 50 kg हमारी तरफ से गिफ्ट, एज अ गिफ्ट 50 kg हमारी तरफ से ले जाइए। ये 50 kg उसने आपको गिफ्ट किया। अब आपने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 kg आपको गिफ्ट मिला, यानी 1050 kg का राइस आपको मिला। लेकिन आपने जब टैली में एंट्री की फ्रेंड्स, तो उसमें क्या करेंगे आप, टैली में एंट्री करते समय अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी 1050 करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है 40 rupees पर kg के रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, अमाउंट एक्सीड हो जाएगा और वो बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 1000 kg की ही एंट्री की, बट हमारे गोदाम में कितना आया, 1050 kg। यहाँ पे अब हम राइस बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, हमने 900 kg राइस बेच दी 50 rupees के रेट से, तो 1000 kg हमने खरीदा था, 900 kg बेच दी, तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 100 kg, 100 kg बचेगा। फ्रेंड्स, ये किस में बचेगा, ये हमारे टैली में शो करेगा, टैली में। टैली मीन्स, आइए हम लोग टैली में चलते हैं और देखते हैं इसको। फ्रेंड्स, ये है हमारा, यहाँ पे फिजिकल स्टॉक एंट्री पे, सॉरी स्टॉक समरी पे जाइए। यहाँ से जब आप देखेंगे, जैसे हम राइस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका दिखा रहा है यहाँ पे 1000 kg आपने खरीदा है, 900 kg आपने बेचा है, 100 kg क्लोजिंग स्टॉक आपके गोदाम में बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक दिखा रहा है ये आपका वर्चुअल स्टॉक है। वर्चुअल स्टॉक मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो, मींस जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन आपके एक्चुअल स्टॉक में, यानी आपका जो एक्चुअल में गोदाम है, गोदाम में कितना बचा हुआ, गोदाम में आपके पास बचा हुआ है 150 kg। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों क्वांटिटी में डिफरेंस आ जा रहा है, इसका क्लोजिंग स्टॉक अलग है और गोदाम का क्लोजिंग स्टॉक अलग है। अब वहाँ 150 kg क्यों बचा है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में 50 kg एज अ गिफ्ट मिला था, उसकी एंट्री आपने नहीं कर रखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि हम जो हमारा ये कंप्यूटर के अंदर, टैली के अंदर जो हमारा ये वर्चुअल स्टॉक है, इसको और फिजिकल स्टॉक को, दोनों को मेंटेन करने के लिए हम लोग करते हैं फिजिकल स्टॉक एंट्री। यानी गोदाम में जो हमारे एग्जिस्ट है और जो हमारे कंप्यूटर में है, इन दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर करने के लिए हम लोग करते हैं
फिजिकल स्टॉक एंट्री। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्टॉक समरी चेक करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 किलो राइस बचा हुआ है। अब हम करेंगे फिजिकल स्टॉक एंट्री, उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर पे गए। शॉर्टकट की फ्रेंड्स होता है ऑल्ट प्लस F10, याद रखिएगा ऑल्ट प्लस F10। ये फिजिकल स्टॉक का एक वाउचर आ गया यहाँ पे। राइस यहाँ से चूज करेंगे और जो यहाँ से गोडाउन ले लेंगे, जो क्वांटिटी हमारे गोदाम में है वो क्वांटिटी यहाँ पे हम डालेंगे। गोदाम में कितना है, 150, तो यहाँ पे 150 डालना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर गोदाम में 50 किलो ज़्यादा है तो केवल 50 नहीं डालना, टोटल जितना गोदाम में है वो क्वांटिटी आपको एंट्री करनी है। 150 एंटर करेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये फिजिकल स्टॉक एंट्री हो गई आपकी। अब आइए एक बार फिर से हम लोग स्टॉक समरी में चलते हैं और यहाँ पे स्टॉक चेक करते हैं। ये देखिए, अब टैली में भी आपका 150 केजी बैलेंस में दिखा रहा है और आपके गोदाम में भी 150 केजी है। तो फ्रेंड्स, ये होता है आपका फिजिकल स्टॉक एंट्री। मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर आपका वर्चुअल स्टॉक यानी टैली के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो स्टॉक और जो आपके एक्चुअल गोदाम में है वो स्टॉक, दोनों में अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग करते हैं फिजिकल स्टॉक एंट्री। तो फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई दिक्कत आती है फ्रेंड्स, तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।